किसी कोई पार्टी का आपने साथ नहीं लिया, इसके क्या कारण है? नहीं जी, मैं अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओके न्यूज हरियाणा और मैं हूँ सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ हैं सुबोध कुमार एडवोकेट, ये अटेली विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्षेत्र की जनता के लिए क्या कुछ ही करने वाले हैं। सर, ओके न्यूज हरियाणा पर आपका स्वागत है। नमस्कार सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके दर्शकों को, सबको, जनता को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। किसी कोई पार्टी का आपने साथ नहीं लिया, इसके क्या कारण है? नहीं जी, मैं अपने दम पे चुनाव लड़ना चाहता हूँ जी। आप क्षेत्र के लगभग सभी गांव में, क्योंकि हमने जानकारी जुटाई, आप क्षेत्र के गांव में लगभग 2-3 बार जा चुके हैं और सभी गांव में आप जा चुके हैं, तो किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है मेरी जनता की तरफ से। तो आपको लगता है कि आप अटेली विधानसभा के अगले विधायक हैं? बिल्कुल, जनता चाहेगी तो बिल्कुल। ठीक है, तो सुबोध कुमार जी, आप मुझे ये बताइए, क्षेत्र की जनता के लिए यदि आपको जनता मौका देती है, आप यहाँ अटेली विधानसभा से विधायक बनते हैं, तो क्षेत्र के लोगों के लिए क्या ऐसा कार्य रहेगा जो पिछली सरकारों ने नहीं किया या वर्तमान विधायक ने नहीं किया या पीछे जो भी सत्ता में रहे उन लोगों ने नहीं किया, और आप वो कार्य प्राथमिकता के साथ करेंगे? देखिए सत्येंद्र जी, मैं गांव-गांव में घूम चुका हूँ। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की जी। आज आप कहीं भी जाओगे, युवाओं ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, लेकिन आज वो घर पे बैठे हैं जी। तो सरकार भी ये कह रही है, जो वर्तमान सरकार है वो कह रही है बिना चर्ची पर्ची के हमने बहुत लोगों को रोजगार दिए, इसलिए क्या कहेंगे? ठीक है, उन्होंने रोजगार दिए हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे बहुत लोग बेरोजगार हैं। उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। आपने कहा कि हम युवाओं को रोजगार देंगे अगर आपको जनता चुनती है, तो रोजगार किस तरह से देंगे? देखिए, अगर जनता ने मुझे मौका दिया तो यहाँ पे कोई बड़ी औद्योगिक इकाई लगाने का मेरा जितना भी और दूसरी बात ये, आज हमारे क्षेत्र में कितनी कंपनियां हैं लेकिन हमारे युवाओं को वो रोजगार नहीं उपलब्ध कराती। आप देखा जाए तो उसमें आप देखे 10% मुश्किल से हरियाणा के लोग होंगे जी। तो मैं चाहता हूँ उसमें वो लोगों की भागीदारी, हरियाणा के युवाओं की भागीदारी कम से कम 60% हो, मतलब स्थानीय लोगों को, क्षेत्र के लोगों को जो भागीदारी होगी रोजगार के अंदर, वो 60% कम से कम होनी ही चाहिए। तो सुबोध कुमार जी, आप ये बताइए कि इसके अलावा, बेरोजगारी की समस्या के अलावा, क्षेत्र में और कौन सी समस्याएं हैं जिनका आप, जिनके ऊपर आप काम करने वाले हैं? देखो जी, इसके अलावा शिक्षा का क्षेत्र हो गया जी, एक और दूसरा हो गया, तीसरा हो गया चिकित्सा का क्षेत्र जी। आज शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए, सरकारी स्कूलों की हालत देख लीजिए कितनी दयनीय है जी। लोगों के लिए जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, बेंचेज नहीं बैठे हैं। सरकार कह रही है कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया है और जो महेंद्रगढ़ जिला है वो तीसरे नंबर पर आता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए, आप हालत खुद देख सकते हैं। मतलब शिक्षा में जो सुधार हुआ है वो प्राइवेट स्कूलों का हुआ है, प्राइवेट स्कूलों का ही हुआ है, सरकारी स्कूलों का नहीं होता है। इसके अलावा चिकित्सा का क्षेत्र बहुत बड़ा है। आज देख लीजिए, अगर कहीं भी इमरजेंसी केस होता है जी, तो हमारे पास हॉस्पिटल्स के पास इतनी सरकारी मशीनरी नहीं है, नहीं। ये लोग प्रेफर कर देते हैं या तो रोहतक या फिर जयपुर जी। कई तो मामले ऐसे हैं जो मरीज हैं बीच रास्ते में दम तोड़ दिए, बिल्कुल दम तोड़ दिया। और इसके अलावा, जी कहीना और अटेली जैसे कस्बे हैं जी, बिल्कुल इनके ऊपर बहुत ही विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है जी। जैसे साफ सफाई, मैं गांव में गया था तो लोग महिलाओं से बात की थी, तो महिलाएं नालियां हैं वहाँ पे, ये मुख्य समस्या है उनके लिए। यानी कि जो एक तक तो सरकार कह रही है हमने स्वच्छता पे करोड़ रुपए खर्च करती भी है सरकार, लेकिन सफाई होती नहीं। क्योंकि वर्तमान विधायक संतोष यादव जी की हम बात कर रहे हैं, अटेली हल्के में हर रोज रिबन काटते हैं, उनके एवरेज है 1.5 से 2 करोड़ रुपए, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये लाभ तो जनता को 2-3 साल पहले मिल जाना चाहिए था। यानी कि आपके हिसाब से जो आज रिबन काटे जा रहे हैं, उद्घाटन किए जा रहे हैं, ये 3 साल पहले करने से बिल्कुल लाभ मिल जाता। तो आप संतोष यादव जी को कितने अंक देंगे 10 में से? देखो जी, ये तो जनता ही डिसाइड करेगी कि उनको कितने अंक चलिए। आप जनता के बीच जाते हैं, आपको जनता कितने नंबर दे रही अभी तक? देखो, जनता का पूरा सहयोग है जी मेरे साथ। मैंने आप गांव में जा रहे हैं तो लगातार आपको ऐसा लगता है कि अगले विधायक आप?
बिल्कुल जनता और आपका सबका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल जीत निश्चित होगी हमारी। सर ओके नजर हरियाणा को आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए धन्यवाद सत्येंद्र जी आपका बहुत बहुत। और आप देखते रहिए दमदार खबरों के लिए ओके नजर हरियाणा। नमस्कार। नमस्कार।